नव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एचआर स्कोर कार्ड क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि एसएचआरएम स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है, एचआर स्ट्रेटेजी को कैसे अलाइन किया जाता है बिजनेस स्ट्रेटेजी से, तभी हम एचआर स्कोर कार्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्टली, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ एक बेल है उसे क्लिक करने से आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएंगे जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बेसिक मॉडल है जिसके थ्रू एचआर स्ट्रेटजीज को अलाइन किया जाता है बिजनेस स्ट्रेटजीज से। वो क्या है? सबसे पहले बिजनेस की स्ट्रेटजीज क्या है उसे फॉर्मुलेट किया जाता है कि बिजनेस क्या स्ट्रेटजिक गोल्स, कौन से स्ट्रेटजिक गोल्स बिजनेस को अचीव करने हैं। स्ट्रेटजिक गोल्स क्या होते हैं? स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को अचीव करना है वो वाले गोल्स, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है ताकि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाए। व्हाट एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, उनकी कॉम्पिटेंसीज क्या है और उनके बिहेवियर्स क्या हैं, जिस जो कि एचआर को डिलीवर करने में हेल्प करता है ताकि वो अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पाए। दैट मस्ट enable the business to achieve, to reach its goals, okay? फिर formulate की जाती है HR strategic policies and activities. Human resource की strategies क्या है, क्या कौन सी strategies को हम follow करें ताकि हम अपने goals तक achieve कर पाएं, goals को achieve कर पाएं. Practices will produce these employees' competencies and behaviors, ताकि हम अपने employees की competencies को, behaviors को, उनके motivational level को ऐसे delve कर पाएं कि हमारे employees जो हैं वो strategic plans को easily achieve कर पाएं और अच्छे से कर पाएं, जल्दी कर पाएं, effectively और efficiently कर पाएं achieve. Develop detailed HR scorecard measures. इसलिए हमने समझा कि HR strategy का क्या link है business strategy से, क्योंकि ultimately हम last में HR scorecard develop करते हैं. HR scorecard एक measure है जिसके through हमें पता चलता है जो भी हमने policies, activities बनाई है या फिर अपने employees के behavior को develop किया है वो achieve कर, उनसे क्या achieve हुआ है. How can HR measures whether it is executing well for the business in term of producing the required workforce competencies and behaviors. हमने अभी समझ लिया कि HR scorecard बहुत important है, इससे पता चलता है कि business के लिए क्या अच्छा कर पाए हैं हमारा HR department, हमने कितना अच्छे से अपने workforce environment को develop किया है और अपने workers के, employees के behavior को develop किया है ताकि वो हमारे strategic goals को अच्छे से achieve कर पाए। HR scorecard होता क्या है? HR scorecard मेजर करता है human resource के functions की effectiveness and efficiency, कि जो हमारे employees हैं उनका behavior जो है effectively काम कर रहा है अच्छे से और efficiently बिना किसी गलती के work हो रहा है, और क्या अच्छे से within the time work कर पा रहे हैं हमारे employees. Employees behavior needed to achieve the company's strategic goal, जो कि हमारी कंपनी के स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने के लिए नीडेड है, ज़रूरी है कि क्या हम अपने ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर्स को ऐसे प्रोड्यूस कर पाए हैं कि वो कम टाइम में और कम गलतियों से अच्छे से अपने कंपनी के गोल्स अचीव कर पाए। तो इसलिए हम उनको मेज़र करने के लिए, उनको अच्छे से चेक करने के लिए स्कोर कार्ड बनाते हैं, एचआर स्कोर कार्ड बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिंग एन एचआर स्कोर कार्ड must know what company's strategy is. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है. Must understand the causal link between HR activities, human resource के activities में, employee के behavior में, organization के outcome में और organization की performance में एक link develop होना चाहिए. हम इसको अच्छे से detail में पढ़ेंगे. Must have metrics to measure all activities and result involved. हमें पता होना चाहिए कि हम सभी activities और result को कैसे measure करेंगे. इसके लिए HR metrics भी हमें develop करना होता है. ये हम previous lecture में समझ चुके हैं. अगर आपको video देखनी है तो previous lecture देख सकते हैं. एचआर स्कोर कार्ड के गोल्स क्या हैं? हम एचआर स्कोर कार्ड को डेवलप क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या मेजर करना चाहते हैं हम इससे?
HR स्कोरकार्ड हेल्प करता है बिजनेस को टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ देयर HR डिपार्टमेंट्स, कि हमारा जो HR डिपार्टमेंट्स है उसकी क्या वैल्यू है, कितना वो प्रॉफिट में हेल्प कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस में. तो हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, इसलिए हम HR स्कोरकार्ड बनाते हैं. अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन HR ऑपरेशंस एंड कंपनीज बिजनेस टारगेट्स. कंपनी का जो बिजनेस टारगेट्स हैं, बिजनेस गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो हमारे HR ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कि हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं और उनसे अच्छे से काम लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लिंक है आपस में और क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए हम HR स्कोर कार्ड डेवलप करते हैं. तो हमें समझ में आ गया कि इसका गोल्स क्या है. बेसिक HR स्कोर कार्ड रिलेशनशिप. अब हमें समझना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स स्कोर कार्ड का बेसिक रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है. सबसे पहले हम HR एक्टिविटीज को देखते हैं और फिर उसके थ्रू कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे एम्प्लॉयज को करनी है और कैसे करनी है, हम अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं और जैसा बिहेवियर चाहिए उस तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं. तो एमर्जेंट एम्प्लॉय बिहेवियर, फिर स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, कि उसके थ्रू कौन से रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन आउटकम्स हमें मिल सकते हैं और कौन से आउटकम्स हमें चाहिए वो देखते हैं. और फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, कि क्या इन रियलिटी में ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया एज अ परफॉर्मेंस. फिर अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स, कि क्या वो सब परफॉर्मेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल है. अगर नहीं है तो इस HR स्कोर कार्ड से हमें पता चल गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर हमें क्या मिला, क्या हमने अचीव किया, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. तो ये सब रिलेशनशिप पता होने चाहिए और इसके थ्रू कैसे HR स्कोर कार्ड के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप HR एक्टिविटीज के थ्रू हम बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज को अचीव करने के फॉर्म में आए, हम कैसे स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हमें ये पता चला. अब क्रिएटिंग एन HR स्कोर कार्ड. HR स्कोर कार्ड को क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये 10 स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू हम HR स्कोर कार्ड्स को अचीव कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमें डिफाइन करनी चाहिए बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, हमारी ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है. HR स्कोर कार्ड डायरेक्टली लिंक करता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी से, इसलिए ऑन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसको कॉर्पोरेट स्कोर कार्ड भी किया कहा जा सकता है. ठीक है, तो फिर हम वैल्यू चेन एक्टिविटीज को आउटलाइन करते हैं कि हमारे क्या क्या वैल्यू चेन एक्टिविटीज हैं. आउटलाइनिंग वैल्यू चेन एक्टिविटीज, की कंपनी की वैल्यू चेन क्या होती है, हमें उसको आउटलाइन करना पड़ता है. तो ये एक टूल है आइडेंटिफाई करने का प्राइमरी और क्रूशियल एक्टिविटीज को, जो कि क्रिएट करती है कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या फिर जो कंपनी है उसके प्रति लॉयल बनाती है, कि वो कस्टमर्स बार बार उस ऑर्गेनाइजेशन में आए या फिर उनके परमानेंट कस्टमर बन जाए. ठीक है, उसके लिए रिलेटेड सपोर्ट एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं. सपोर्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ओके, तो ईच एक्टिविटी इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग. हर एक एक्टिविटी एक पार्ट है डिज़ाइनिंग का, प्रोड्यूस करने का, मार्केटिंग, डिलीवरिंग द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज. कोई भी स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेकर, रॉ मटेरियल लेने से लेकर, बिल्कुल प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब वैल्यू चेन एनालिसिस में आती हैं, वैल्यू चेन एक्टिविटीज में आती हैं. ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं. अब देखो, सिंपल वैल्यू चेन है एक होटल के, होटल का जो कि पेरिस में है. इसके थ्रू अगर हम देखें, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, फोन, इंटरनेट सिस्टम, टीवी सीरीज है. ठीक है, एक होटल में सब कुछ टेक्नोलॉजी गिवन है. फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि मैनेजर है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस मेजर्स भी लिए गए हैं उस होटल में. फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी होटल का स्टाफ है उसको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, अप्रेजल और कंपनसेशन दिया जाता है. ठीक है, ये तो हुई सारी सपोर्ट एक्टिविटीज.
अब उसी वैल्यू चेन में प्राइमरी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि होटल पेरिस की वैल्यू चेन में मार्केटिंग एंड सेल्स है। उसके लिए मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, सेल्स क्लर्क ट्रेनिंग दी जाती है उनको, मार्केट रिसर्च की जाती है, वी गेस्ट रिजर्वेशन कॉल्स ली जाती हैं बाय थर्ड रिंग, प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी क्वारीज है गेस्ट की तो उनका रिजर्वेशन कैसे किया जाए, 3 मिनट फैक्स रिजर्वेशन। फिर है इनबाउंड गेस्ट सर्विसेज, गेस्ट को कैसे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एयरपोर्ट से पिकअप किया जाता है, फ्रंट डोर वेलकम एंड अनलोडिंग, क्विक फ्रंट डेस्क सर्विस। फिर इन रूम सर्विसेज कि रूम में उनका क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, 24 आवर रूम सर्विस, 200 चैनल TV, अमेनिटीज कौन सी प्रोवाइड की जा रही है, 5-स्टार होटल एंड फूड सर्विसेज, एक्सपर्ट पर्सनल ट्रेनर्स, 24 आवर पूल्स, आउटबाउंड गेस्ट सर्विसेज, इन रूम चेकआउट, टीवी चेकआउट, अगर टीवी खराब है तो उसके लिए कैसे चेकआउट किया जाए उसको, फास्ट फ्रंट डेस्क चेकआउट, एयरपोर्ट वैन एवरी 10 मिनट्स में हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ड्रॉप आउट फैसिलिटी गिवन है, आउट बाउंड मीन्स उनको बाहर जाते वक्त कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, बेल हॉप सर्विसेज। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल वैल्यू चेन का होटल पेरिस का। अब बात आती है स्ट्रेटजी मैप की। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रेटजी मैप होता क्या है। स्ट्रेटजी मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं आज की डेट में, जिससे कि पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है, कि उन प्रायोरिटीज को, विजन को, अपने विजन को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी मैप ड्रॉ किया जाता है, एक स्ट्रेटजी मैप बनाया जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया साउथ वेस्ट एयरलाइन के स्ट्रेटजी मैप का, कि उनको अचीव करने के लिए प्रॉपर एक मैपिंग की जाती है कि क्या क्या हमें चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्रायोरिटी सेट की जाए। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय लेवल पे कमिटेड ग्राउंड लाइट फ्लाइट क्रूज, फिर इंटरनल ऑपरेशंस में कि फास्ट प्लेन टर्न अराउंड हो, टाइम पे पहुंचे फ्लाइट्स, कस्टमर के प्रायोरिटीज के बेसिस पे कि उनको लो प्राइस में फ्लाइट्स प्रोवाइड की जाए, अट्रैक्ट किए जाए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, अपना फाइनेंशियल एम्स के थ्रू मैटर अगर हम देखें तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू, रिवेन्यू ग्रो किया जाए, प्रॉफिट और रिटर्न ग्रो किया जाए एसेट्स के ऊपर, लोअर प्लेन फ्यूअर प्लेन्स, तो ये सब एक स्ट्रेटजी मैप का एग्जांपल है साउथ वेस्ट एयरलाइन का। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जिसके थ्रू प्रायोरिटी सेट की जाती हैं स्कोर कार्ड के लिए। ठीक है, तो स्कोर कार्ड के अंदर स्ट्रेटजी मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्ट्रेटजी मैपिंग का हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब हम समझते हैं इसके बाकी स्टेप्स। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिकली रिक्वायर्ड आउटकम्स, जो भी आउटकम्स चाहिए हमें स्ट्रेटजिकली रिक्वायर्ड यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स को, विजन को अचीव करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी वर्क, हमारे जो वर्क फोर्स है, एम्प्लॉयज है, उनकी कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स कौन कौन से चाहिए हमें, रिक्वायर्ड वर्क फोर्स कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायर्ड HR पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज, की हमारे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज क्या हैं और हमारे ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, कि एम्प्लॉयज को क्या क्या काम करने हैं। फिर क्रिएट किया जाता है स्कोर कार्ड, HR स्कोर कार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं। चूज किया जाता है सही स्कोर कार्ड, कौन सा स्कोर कार्ड मेजर्स हम यूज करेंगे, किस लेवल पे हम मेजर्स करेंगे, क्या क्या मेजर्स करेंगे हम HR स्कोर कार्ड्स को चेकआउट करने के लिए। फिर हम समराइज करते हैं स्कोर कार्ड मेजर्स ऑन डिजिटल डैशबोर्ड, हमारा डिजिटल कंप्यूटराइज डैशबोर्ड पे पूरा HR स्कोर कार्ड को समराइज किया जाता है। फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, जो हमने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करे, सब कुछ सही चल रहा है। अब हम HR स्कोर कार्ड का प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए HR स्कोर कार्ड प्रोसेस फॉर होटल पेरिस का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एग्जाम्पल है जो शो कर रहा है HR प्रैक्टिसेस और आउटकम्स, जिनका एम है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो हमारे सुपीरियर गेस्ट सर्विसेज है उनको वो यूज कर सके, टू डिफ्रेंशिएट द होटल पेरिस प्रॉपर्टीज एंड थस इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टे। इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट सर्विस है, होटल पैलेस की गेस्ट सर्विस है, उनको बिल्कुल डिफरेंशिएटेड सुपीरियर गेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए और उनका जो स्टे की लेंथ है वो इंक्रीज हो, जिससे कि वो बार बार, हमारे गेस्ट जो हैं वो बार बार हमारे होटल में आकर स्टे करें, उनकी स्टे
कि लेंथ भी इंक्रीज हो और वो रिटर्न रेट ऑफ गेस्ट भी इंक्रीज हो एंड थस बूस्ट द रिवेन्यू, जिससे कि हमारा रिवेन्यू बूस्ट होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी एंड हेल्प द फर्म टू एक्सपेंड ज्योग्राफिकली. एक फर्म को ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करने में एक हेल्प मिलेगी. अब इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखिए होटल पेरिस बेसिक स्ट्रेटजी थीम है कि व्हाट बेसिक स्ट्रेटजी थीम मस्ट वी इन एचआर परस्यू टू हेल्प होटल पेरिस अचीव इट्स स्ट्रेटजिक गोल. हमने सबसे पहले यही समझा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रेटजिक गोल्स क्या हैं और उनको अचीव करने के लिए हमें प्रॉपर थीम्स बनानी पड़ेंगी. फिर क्रिएट सर्विस ओरिएंटेड वर्कफोर्स, एम्बेडेड कोर वैल्यूज, एनकरेज करेंगे एम्प्लॉयज एम्बेड कोर वैल्यूज क्या है उसको हमें दिखाना पड़ता है कि क्या वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की जिनको अचीव करना चाहती है. एनकरेज पर्सनल एम्प्लॉय ग्रोथ एंड अर्निंग, पर्सनल लेवल पे एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो और वो ज्यादा सीख पाए ताकि लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट करें. एम्फेसाइज पार्टनरशिप इन सेंस ऑफ ऑनरशिप. फिर स्ट्रेटेजिक एच आर एक्टिविटीज मैट्रिक्स, इसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, मस्ट वॉच दैट. What HR function should we focus on? हमें कौन से HR function पे focus करना है? How should we measure its efficiency and effectiveness? हम उसको कैसे measure कर सकते हैं कि कितना अच्छे से वो काम कर रहा है और कितने कम time पे वो काम कर पा रहा है. HR activities में part 1 introduction means उनको introduce किया जाता है organization से, recruitment, selection process, training और appraising, compensation provide किया जाता है, employee relation and safety जैसे कि accidental cost पर ईयर कितनी आ रही है, ग्रीवेंसीज पर ईयर, ग्रीवेंस बहुत होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए वो सब. फिर थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट इमर्जेंट एम्प्लॉय कैपेसिटी एंड बिहेवियर्स मैट्रिक्स, उनकी कैपेसिटी कितनी है और उनका बिहेवियर कैसा है, मोटिवेशनल लेवल कैसा है, उसको मैट्रिक्स तैयार किया जाता है. एम्प्लॉय की टर्नओवर कितनी है, कैसे वो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉय का मोरल कैसा है, हाई है तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा. वेरियस एम्प्लॉय सर्विस ओरिएंटेड बिहेवियर मैट्रिक्स इंक्लूडिंग पर्सन कॉल आंसर्ड विद रिक्वायर्ड ग्रीटिंग्स, कि कितनी कॉल्स को उन्होंने अच्छे से आंसर किया है, थैंक यू फुल ऑफ ग्रीटिंग्स के साथ आंसर किया है, होटल का एग्जांपल है ये. एम्प्लॉय सर्विस कमिटमेंट एंगेजमेंट इंडेक्स, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज कमिटेड होंगे अपने काम में उतने ज़्यादा एंगेज होंगे और उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज उससे हमारे कस्टमर्स भी इम्प्रेस होंगे. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय स्कोरिंग एटलीस्ट 90% ऑन होटल पेरिस स्कोर वैल्यूज क्विज, उनका क्विज लिया जाता है कि उनके स्कोर वैल्यूज, उनके जो कोर वैल्यू है उस पे वो कितना बेटर स्कोर करते हैं. ठीक है, तो फिर आता है स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम मैट्रिक्स, कि ऑर्गेनाइज कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनका आउटकम क्या रहा है उसका मैट्रिक्स तैयार किया जाता है. हाउ कैन वी मेजर वेदर आर कस्टमर सर्विस इज एक्चुअली इम्प्रूविंग, क्या हमारी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो रही है, हैविंग डिजायर इफेक्ट, उसका क्या सही इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारा गोल था कि उनका स्टे को रेगुलराइज किया जाए, ज़्यादा लंबा किया जाए और उनका बार बार हमारे होटल में आकर स्टे करें, रिटर्न रेट भी उसका अच्छा हो. तो गेस्ट सर्विस सेटिस्फेक्शन इंडेक्स कितना सेटिस्फाई है एक लिया जाता है उनसे लास्ट में जब वो जाते हैं हमारे और होटल से, तब उनसे पूरा प्रॉपर एक लिया जाता है उनका व्यू. नंबर ऑफ रिटर्न गेस्ट कम्प्लीमेंट्स और कंप्लेंस पर ईयर, कितना कंप्लेन है और कितनी कॉम्प्लीमेंट्स गिवन है उनमें. वेरियस कस्टमर एंड होटल पेरिस आउटकम मैट्रिक्स इंक्लूड फ्रिक्वेंसी ऑफ गेस्ट रिटर्न, कितना, ये देखो ये हमारा मेन कंसेप्ट था कि कितने वो रिटर्न करते हैं, वापस आते हैं हमारे होटल में स्टे करने के लिए, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना लंबा स्टे करते हैं, गेस्ट एक्सपेंडिचर्स पर गेस्ट पर स्टे कितना एक्सपेंडिचर उन पे हुआ है. फिर फाइनली स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कि क्या हमारा स्कोर कार्ड के अंदर उनका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को चेक किया जाता है कि क्या हमारा स्कोर कार्ड के थ्रू हमारा मेजर्स बिल्कुल सही आए हैं या नहीं. रैंकिंग इन इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री लेवल पे क्या रैंकिंग है, सेटिस्फेक्शन सर्वे. प्रॉफिट मार्जिन एंड टोटल एनुअल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मार्जिन है और एनुअल प्रॉफिट कितना है, परसेंट शेयर ऑफ मार्केट, एनुअल रिवेन्यूज कितने हुए हैं. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें अच्छे से समझ में आ गया कि एचआर स्कोर कार्ड होता क्या है, उसका एग्जाम्पल भी ले लिया हमने आज और उसके स्टेप्स भी समझ लिए और उस वो क्यों
हमें जरूरी है एचआर स्कोर कार्ड्स के गोल्स भी समझ लिए, ठीक है। तो नव क्लासेस देखते रहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको सभी लेक्चर्स आपकी ईमेल आईडी में मिलते रहें। उसके लिए आप बेल को क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन के साथ। आप मेरा पेज फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं नव क्लासेस ऑनलाइन, और मेरा ब्लॉग भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं फ्रिक्वेंट लेवल पे ये लेक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू।